स्ट्रेंज भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविज। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो स्ट्रेंज भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द स्ट्रेंज भारत शो। दिल्ली कूच की कॉल के बाद बुधवार को एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। किसान बैरिकेड तोड़ आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि हरियाणा पुलिस किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। बुधवार सुबह जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। पंजाब के 14,000 किसान 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर शंभू बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश में लगे हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी 800 ट्रैक्टर ट्रॉलियां मौजूद हैं। किसान यहां से हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस कई बार ड्रोन से आंसू गैस छोड़ चुकी है। बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क, गीली बोरियां और चश्मे पहने। साउंड कैनन से निपटने के लिए किसान स्पेशल ईयरबड्स लेकर आए हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा। शंभू बॉर्डर पर किसान मीटिंग में केंद्र के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले 4 बार बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। किसान आंदोलन का आज नवा दिन है। इस दौरान अलग अलग वजहों से 2 पुलिस कर्मियों समेत 4 की मौत हो चुकी है। किसान सभी 23 फसलों पर MSP गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने और भी कई मांग सरकार के सामने रखी हैं, जिसमें कर्ज माफी, पेंशन, मनरेगा और सब्सिडी शामिल हैं। सरकार की ओर से किसानों को 5 फसलों पर 5 साल तक MSP गारंटी देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो अपने साथ लाई बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल बैरिकेड हटाने में ना करें और जिसने ये मशीन किसानों को दी है उसके खिलाफ गैर जमानती कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आखिरकार सीटों के बंटवारे पर बात बन ही गई। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर कांग्रेस राजी हो गई है। इससे पहले दोनों ही पार्टियों के बीच लोकसभा सीट समझौते को लेकर बयानबाजी चल रही थी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 20 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा उसे 17 सीटें दे रही थी। इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से तीखे बयान भी सामने आए थे। राष्ट्रीय लोकदल के BJP के पाले में जाने के बाद अब UP में कांग्रेस और सपा का गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने वाला है। वहीं बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जा रही है और वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा कई छोटी पार्टियां सीटों पर लेकर अपने पार्टनरों के साथ मोल भाव कर रही थी। सपा ने कांग्रेस को फतेहपुर सीकरी, मथुरा, सीतापुर, अमरोहा, गाजियाबाद, प्रयागराज, बांसगांव, बनारस, महाराजगंज, बुलंदशहर, बाराबंकी, देवरिया, सहारनपुर, रायबरेली और अमेठी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियों के बीच गतिरोध को तोड़ने में प्रियंका गांधी ने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस पहले मुरादाबाद सीट की मांग कर रही थी, जिसे सपा देने के लिए तैयार नहीं थी। अब सीट समझौते के बाद कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। सपा पहले ही अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट निकाल चुकी है और जल्द ही बाकी नामों की घोषणा भी कर देगी। गतिरोध टूटने के बाद अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि अंत भला तो सब भला। अखिलेश जी, माहौल चल रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा का, 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए, अंत भला तो सब भला, क्या समझा जाए, क्या माना जाए, आप समझदार हो? सर, गठबंधन होगा या नहीं? सीट शेयरिंग को लेकर विवाद हुआ है? कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगे। कांग्रेस इंचार्ज पांडे जी ने कहा है BSP के लिए कि उनके लिए दरवाजा खुला है, कहीं आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? इतनी पुरानी बातें बता रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, आपने प्रत्याशी घोषित किया है, उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी अंत भला तो सब भला। मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट और रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का 91 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। अमीन सयानी को मंगलवार शाम को हार्ट अटैक आया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अमीन सयानी के बेटे रजल के मुताबिक गुरुवार को सभी रिश्तेदार मुंबई पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अपनी आवाज के लिए मशहूर अमीन सयानी ने रेडियो पर कई प्रोग्राम होस्ट किए, लेकिन उनका सबसे मशहूर रेडियो शो गीतमाला था, जो उन्होंने साल 1952 से लेकर 1994 तक होस्ट किया था। अमीन सयानी की आवाज ही रेडियो की पहचान बन गई थी। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन कई भाषा बोलने वाले परिवार से आते थे। सयानी ने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हमीद सयानी ने उन्हें यहाँ काम दिलवाया था। अपने करियर के शुरुआती 10 साल में वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद उन्होंने हिंदी प्रोग्राम भी करने शुरू कर दिए। सयानी दिसंबर 1952 में शुरू हुए अपने रेडियो शो गीतमाला से बेहद मशहूर हुए। सयानी का शो बिनाका गीतमाला पहले श्रीलंका के रेडियो स्टेशन, जिसे उन दिनों रेडियो सेलोन के नाम से जाना जाता था, वहां प्रसारित होता था। ये 30 मिनट का प्रोग्राम था। 1952 में शुरू हुए इस शो ने जल्द ही लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली। बिनाका गीतमाला से ये सिबाका गीतमाला हुआ और हिट परेड नाम से ये प्रसारित हुआ, लेकिन कभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। इसके बाद गीतमाला शो ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती पर ब्रॉडकास्ट हुआ। गीतमाला शो रेडियो पर बुधवार रात 8 बजे प्रसारित होता था। आलम यह था कि हर कोई इस शो का इंतजार करता था। घर, दुकान, बाजार, हर जगह लोग सयानी को सुनने के लिए बेकरार रहते। 4 टॉपिंग हिट्स वाला रेडियो शो गीतमाला दक्षिण एशिया में खूब लोकप्रिय हुआ। सफलता के कारण गीतमाला शो 42 साल तक चला। बाद में 2000-2001 और 2001 से 2003 में इसके नाम में मामूली बदलाव के साथ इसे फिर से शुरू किया गया। श्रेष्ठ भारत का इस देश के लाल को नमन है। भारत सरकार YouTube की तर्ज पर ऐसा पोर्टल लाने जा रही है जो काम तो YouTube की तरह करेगा, इस पर सरकार के सारे कामों से संबंधित वीडियो और विज्ञापन डाले जाएंगे। भारत सरकार इस हफ्ते 4 ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इसमें एक पोर्टल पर भारत सरकार के तैयार किए गए तमाम वीडियो डाले जाएंगे, जो एक YouTube चैनल की तरह से ही काम करेगा। दूसरा पोर्टल अखबार और मैगजीन की रजिस्ट्रेशन के लिए होगा। साथ ही एक वेबसाइट होगी जहां पर सरकार से संबंधित सारे विज्ञापन और उनके बारे में जानकारी डाली जाएगी। YouTube जैसे इस पोर्टल को नेशनल वीडियो गेटवे ऑफ भारत नाम दिया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेविगेट भारत कहा जा रहा है। इस पर अभी तक अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के 2500 वीडियो डाले जा चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब सरकार की तरफ से ऐसा स्टेप लिया गया है। साइबर क्राइम रोकने से लेकर जानकारी साझा करने तक लगातार भारत सरकार की तरफ से नए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से अब एक और कदम उठाया जा रहा है। इससे जनता को भी सरकार की पॉलिसी को लेकर सफाई मिलेगी। इसके लॉन्च को लेकर काफी जानकारियां सामने आ चुकी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बस इसे लाइव किया जाएगा, यानी इसकी आधिकारिक घोषणा का ही इंतजार बाकी रह गया है। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। मंगलवार देर रात दोनों पार्टियों के बीच लंबी बैठक हुई, जिसके बाद गठबंधन की शर्तों पर सहमति बनी। बैठक के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एक बार फिर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके। PPP और PMLN को सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया है और अब दोनों पार्टियां मिलकर पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रही हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव हुए थे। इस चुनाव में किसी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिली। पाकिस्तान में बहुमत पाने के लिए वहां की संसद में 134 सीटें जीतनी होती हैं। इसलिए नतीजे आने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान में किसी की सरकार नहीं बन सकी। इस चुनाव में इमरान खान के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। चुनावी नतीजों में इमरान समर्थक निर्दलीयों को सबसे ज्यादा 93 सीटें मिली थी। दरअसल सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने के लिए इमरान के निर्दलीयों को किसी पार्टी या गठबंधन का हिस्सा होना पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने खान की पार्टी पर बैन लगा दिया था। इमरान खान को यह भी अयोग्य घोषित किया गया। PMLN और PPP के बीच 8 फरवरी के बाद से ही
गठबंधन सरकार बनाने को लेकर बातचीत हो रही थी। सरकार बनाने के लिए बिलावल ने कुछ शर्तें रखी थी जिस पर नवाज की पार्टी सहमत नहीं हो पा रही थी। यही वजह है कि अब तक सरकार नहीं बन सकी। समझौते के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी ने बिलावल को 2 साल तक पाकिस्तान का पीएम बनने की दावत दी थी, जबकि 3 साल तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम रहेंगे। ये ऑफर बिलावल ने ठुकरा दिया था। अब दोनों के बीच सहमति बनने के बाद बात बनती दिख रही है। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।